हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सेफ्टी इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जाता है, ये टॉप 10 क्वेश्चन है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आज हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ये क्वेश्चन है। यहाँ सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं, व्हाट इज डेलीगेटेड वर्क परमिट। डेलीगेटेड वर्क परमिट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। हाउ टू कंट्रोल रिस्क, रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर द हजार्ड्स इन केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी में क्या क्या हजार्ड्स होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। हाउ टू कंट्रोल केमिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है ये भी हम जानेंगे। व्हाट आर द हजार्ड्स इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या क्या हजार्ड्स होता है, क्या क्या खतरा होता है इसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट द एडवांटेज ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का क्या एडवांटेज है, क्यों हम उसका इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में हम देखेंगे। व्हाट आर ऑडिट एलिमेंट्स, ऑडिट एलिमेंट्स क्या है, ऑडिट के दौरान क्या क्या हम एलिमेंट्स देखते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज टी डब्ल्यू ए, टी डब्ल्यू ए क्या होता है, टाइम वेटेड एवरेज, उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर टॉप 10 है। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है ये भी पता चलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी के अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहे। यहां हम देख रहे हैं व्हाट इज डेलीगेटेड वर्क परमिट, डेलीगेटेड वर्क परमिट क्या होता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। डेलीगेटेड वर्क परमिट यूज फॉर एरिया रिक्वायरिंग लाइट कंट्रोल, एग्जांपल फैब्रिकेशन यार्ड्स वैलिड 30 डे। ऐसा कोई एरिया वहां पे जो रिक्वायर्ड होता है, यूज करते हैं हम परमिट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो परमिट क्या है ना, कहीं कहीं पे, ऐसा हर जगह नहीं होता है डेलीगेटेड वर्क परमिट, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर है तो आपको ये पता होना चाहिए, जो फैब्रिकेशन यार्ड वगैरह होता है ना, जहाँ पे हम फैब्रिकेशन करते हैं मटेरियल का, तो वहां पे क्या वो डेलीगेटेड वर्क परमिट हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका वैलिडिटी 30 डेज का होता है। वन टाइम परमिट इशू करने के बाद हम 1 मंथ तक उसी परमिट को एवरी डे सिर्फ काउंटर साइन ले लेके, एक अटैच उसमें डॉक्यूमेंट लगा रहता है, सिर्फ हम उस पर साइन करते हैं, क्योंकि एवरी डे का यार्ड में सेम जॉब होता है। इसके लिए परमिट हम एक इशू करते हैं और उसके साथ एक अटैच डॉक्यूमेंट होता है, उस पे हम एवरी डे साइन लेते रहते हैं, उसको रिन्यू करते रहते हैं परमिट को, तो ये डेलीगेटेड वर्क परमिट होता है। सेकेंड में हम देख रहे हैं हाउ टू कंट्रोल रिस्क, रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है। द रिस्क इज कंट्रोल बाय फॉलोइंग प्रोसेस, दे आर एलिमिनेट, रिप्लेस, रिड्यूस, कंट्रोल एंड पीपी। ये सब हम फॉलो करके जो कंट्रोल मेजर अभी हम बताए हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं रिस्क को, हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते, कम कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड पीपी का इस्तेमाल करके भी हम रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये रिस्क को कंट्रोल करने का कुछ ये कुछ पॉइंट है। यहां हम देख रहे हैं व्हाट आर द हजार्ड इन केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी में क्या हजार्ड्स होता है, क्या खतरा होता है। इस वीडियो में मेन मेन जो पॉइंट होता है ना, सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। डेंजर ड्यू टू फायर एंड एक्सप्लोजन, केमिकल सेफ्टी में, केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। डेंजर ड्यू टू टॉक्सिकेसी, टॉक्सिक गैस वगैरह रिलीज हो सकता है वहां पे, फायर सबसे डेंजर होता है, वहां फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा होता है, नहीं तो टॉक्सिक गैस रिलीज होने का खतरा होता है केमिकल सेफ्टी में। फोर्थ में देख रहे हैं हाउ टू कंट्रोल द केमिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल हजार्ड्स आर कंट्रोल बाय इंजीनियरिंग मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड एंड पीपी। यहाँ पे हम केमिकल हजार को इंजीनियरिंग मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड पीपीईज का इस्तेमाल करके हम केमिकल के खतरे को कम कर सकते हैं। व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड इज ए टेम्पोररी एंड इमीडिएट केयर गिवेन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। फर्स्ट एड क्या है, टेम्पोररी इमीडिएट मतलब जल्दी में देने वाला केयरिंग है, मतलब केयर करते जो विक्टिम होता है उसका हम देख रेख करते हैं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए, जब तक इमरजेंसी टीम नहीं आ जाते, जब तक हम क्या करते हैं ना, जो विक्टिम होता है उसको इमीडिएट जल्दी में उसका हम केयरिंग करते हैं कि इसकी जैसी हालत है उससे ज्यादा और बिगड़ नहीं जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। व्हाट आर द हजार्ड्स इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या खतरा होता है। फर्स्ट में हम देखते हैं फायर होता है, सेकेंड में एक्सप्लोजन होता है, थर्ड में
जनरल सजार्ड, उसमें बहुत सारा जनरल खतरा भी होता है। फोर्थ में फ्रोस्ट बाइट, ये फोर्थ जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में है बहुत ज्यादा खतरे वाली, वहां पे ये हजार्ड्स होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा इसी का खतरा वहां पे होता है। यहाँ पे हम देख रहे व्हाट इज एडवांटेज ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सिस्टम का क्या एडवांटेज है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इट्स हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फायर एक्सप्लोजन, ये हेल्प करता है और रिड्यूस करता है जो फायर एंड एक्सप्लोजन होने का चांस होता है ना, उसी में ये हेल्प करता है, उसको कम करने का, रिड्यूस करने का हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज से भी वेंटिलेशन सिस्टम ऑक्यूपेशनल डिजीज से भी बचाता है, जो काम करने से जो बीमारी होता है उससे भी बचाता है। इट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल टू द वर्कमैन, वर्कमैन को वेंटिलेशन सिस्टम कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है, जहां पे वेंटिलेशन सिस्टम होता है वहां पे एयर का सर्कुलेशन होता रहता है, एयर चेंज होता रहता है, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, वहां पर हीट वगैरह से उसी के वजह से बचा जाता है, तो उससे क्या है ना वर्कर भी कंफर्टेबल फील करता है, तो इसका ये एडवांटेज है वेंटिलेशन का, ये एडवांटेज है। व्हाट आर ऑडिट एलिमेंट्स, ऑडिट एलिमेंट्स क्या होता है, हम कभी भी ऑडिट करते हैं तो वहां पर मेन मेन क्या क्या चीज चेक करते हैं, आप इंटरव्यू में इतना सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का पॉलिसी जो होता है कंपनी का, सबसे पहले वो देखना होता है, एजुकेशनल ट्रेनिंग देखना होता है कि बंदे को कितना ट्रेनिंग दे, सेफ्टी मैनुअल जो होता है वो एंड रूल्स देखना होता है, न्यू इक्विपमेंट देखना होता है, नया नया क्या क्या सामान आपके पास अपडेटेड है ये भी देखना होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन देखना होता है, मशीन का गार्डिंग वगैरह चेक करना होता है, मटेरियल हैंडलिंग सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो हम चेक करते हैं, एंड आवाज वगैरह नुआइश वगैरह ज्यादा वहां पे नुआइश है ये भी चेक करते हैं। तो ये एलिमेंट ऑडिट के दौरान ये सब एलिमेंट कुछ है जो चेक किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज TWA, TWA क्या होता है, फॉर 8 आवर्स एक्सपोजर पर डे इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एयर बोर्न कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांसेस अंडर विच पर्सन मे बी एक्सपोज फॉर 8 आवर्स पर डे विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है ना, TWA क्या होता है ना, 8 आवर्स एक्सपोजर पर डे होता है, इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक वर्कर जो है ऐसा एनवायरमेंट में काम करता है वहां पे एक्सपोज होता रहता है, कुछ वहां पे ऐसा कुछ खतरा होता है 8 आवर्स के लिए वहां पे वो एक्सपोज होता रहता है, लेकिन वो उसका एडवर्स इफेक्ट वहां पे 8 आवर के अंदर में कुछ भी नहीं होता, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट उसका जो इफेक्ट होता है वो कुछ भी नहीं होता 8 आवर्स के अंदर में, तो उसी को TWA बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर कुछ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहे। थैंक यू।